खुलेआम आदमी अपनी शिकायत लिखाने आया, आप उसको मार रहे हैं। मारिए 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 मारिए, देखिए देखिए मार रहे हैं। वो उन्होंने मुझे अभद्र गालियां दी माँ बहन की, हमें झापड़ मारते हुए मुंशियाने के अंदर ले गए। वीडियो में दिख रहे ये जनाब कानपुर के जिला बीजेपी युवा मोर्चा के नेता हैं, जिन्हें दरोगा जी घुमा घुमा कर थप्पड़ मार रहे हैं और उनके साथ आए कार्यकर्ता वीडियो बनाते हुए कह रहे हैं कि मारो। अब दरोगा जी और चौकी इंचार्ज को ये नहीं पता था कि ये छोटे कद का आदमी जो पिटते समय कुछ बोल नहीं रहा है, ये बीजेपी युवा मोर्चा का पदाधिकारी है। इसके पीछे भी कई युवा हैं। जोश जोश में धोकर अंदर बंद तो कर दिया, लेकिन जब थाने के बाहर युवाओं की भीड़ इकट्ठा होने लगी तब पुलिस के भी पसीने छूट गए। दरअसल ये मामला कानपुर के बर्रा थाने का है, जहां गांजा तस्करों की शिकायत लेकर थाने गए बीजेपी पदाधिकारी को दरोगा ने थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद पुलिस की कार्यशैली से नाराज सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने को घेर लिया। भैया हाथ उठा रहे हैं आप, खुलेआम आदमी अपनी शिकायत लिखाने आया, आप उसको मार रहे हैं। मारिए 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 मारिए, देखिए देखिए मार रहे हैं। हंगामे के बाद पुलिस ने बीजेपी पदाधिकारी को बाहर किया तो उन्होंने पूरे मामले को विस्तार से बताते हुए कुछ पुलिस अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। भैया मामला ये है, हमारा ये भारतीय युवा मोर्चा का कार्यकर्ता है, इसने यहाँ पेट्रोल लाइन पे चाय की दुकान रख रखी, उसी से भरण पोषण कर रहा है घर का। क्षेत्र के जो गांजा तस्कर हैं जिनको संरक्षण प्राप्त है बर्रा थाना पुलिस का, वो लोग इसको परेशान करते हैं। परेशान इसलिए करते हैं, वो लोग इसकी दुकान के पास आके शराब पीते हैं, वहीं से भाई जब चाय की दुकान है कई कॉलेज स्कूल के लड़के आते हैं तो उनको ये लगता है कि हम गांजा अपना यहाँ सप्लाई करें। इसने इस चीज़ का विरोध किया, अभी नए साल के दूसरे तीसरे दिन इस बात का इसने विरोध किया कि मेरी दुकान के पास आप लोग ना खड़े हो। उनका एक लड़का था लकी लकी, वो इसकी दुकान के पास शराब गांजा गांजा बेचता था आके, इसने इस चीज़ का विरोध किया तो आज उसको लेके उन लोगों ने इसके घर पे दुकान पे आके पथराव वगैरह किया। जब पथराव वगैरह किया इसने हम लोगों को सूचना दी, मैं यशोदा नगर निवासी हूँ, हमारा कार्यकर्ता हम भी आए यहाँ पे आए हैं तो हम लोगों ने एप्लीकेशन दी। अच्छा एक चीज़ देखिए, इसने पथराव जब किया इसने हम लोगों को सूचना दी, हम लोग थाने आए, उसके पहले दो सिपाही बिना सूचना के इसकी दुकान पहुँच रहे हैं, बल्कि इसकी दुकान पर पथराव हुआ, इसकी दुकान पहुँचे तलाशी लेने लगे तो इसने कहा क्या था, बोले नहीं नीला झोला कहाँ तुम्हारे यहाँ गांजा बिकता है, तो इसने कहा अगर गांजा बिकता तो मुझे बैठा लो ले चलो थाने। गाड़ी में बैठ गया उनके साथ बाइक में, उन्होंने आधे रास्ते में इसको उतार दिया क्योंकि ये उन गांजा तस्करों के कहने पर आए थे। तब तक हम लोग थाने आ गए, हम लोगों ने आके एप्लीकेशन दी, सेकंड ऑफिसर वी के शुक्ला जी थे उन्होंने हम लोगों को एप्लीकेशन दी, वो बोले चौकी इंचार्ज को हमने फॉरवर्ड कर दिए, वो आ रहे होंगे। हम लोग बाहर खड़े बात कर रहे थे आपस में, तब तक चौकी इंचार्ज साहब आए तो उन्होंने आते आते पहले बहुत गलत टोन में अनावश्यक भीड़ क्यों लगी है, तो हम लोगों ने कहा अनावश्यक भीड़ नहीं लगी, जो पथराव वाला मामला हुआ उसमें खड़े हैं। अच्छा तो जाइए, आपने दे दी ना एप्लीकेशन, मेरे पास आ गई है, मैं जांच कर लूंगा। तो हमने कहा भाई साहब जांच नहीं, उसमें एक लड़का अंदर बैठा है वो गलत आरोप हम लोगों पे लगा रहा था। अच्छा एक लड़का यहाँ आया वो बोला हमको मारा, वो अपनी खोपड़ी फाड़ के आया, तो हम लोगों ने वीडियो पूरे उपलब्ध कराया जो पथराव वाले थे कि देखिए ये बिल्कुल सुसज्जित है सही है। तो वी के शुक्ला जी ने उस मेरी बात भी सुनी, तो हम लोग वही चीज़ बोलना चाहते थे चौकी इंचार्ज साहब से कि आप निष्पक्ष जाँच करिएगा कल को आप, क्योंकि उनका संरक्षण प्राप्त है, जो आनंद पांडे जी हैं और आशीष कुमार दरोगा हैं उनका संरक्षण प्राप्त है गांजा विक्रेताओं को। हम लोगों ने बोला तो उसमें वो भड़क गए क्योंकि भैया चोर है, वीडियो बनाने का है, इतना बोलना हुआ। उन्होंने मुझे अभद्र गालियां दी माँ बहन की, हमें झापड़ मारते हुए मुंशियाने के अंदर ले गए, बोले रुक अभी तुझको बताता हूँ, बल्कि मैंने ना अपना कोई परिचय उनसे कहा ना मैंने कुछ कहा, मैं इतना कह रहा हूँ चलिए ठीक राजनीति करता हूँ, अगर आम आदमी होता पीड़ित होता आज तो उसके साथ क्या होता। हमारी एक मांग है केवल उनको बर्खास्त किया जाए, हमें न्याय चाहिए और चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर किया जाए। वहीं इस मामले के तूल पकड़ते ही एसीपी ने दरोगा आशीष कुमार और आनंद पांडे को लाइन हाजिर कर जांच के आदेश दे दिए। देर पहले एक वीडियो प्रकाश में आया जिसमें एक यहां बर्रा थाने पे तैनात एक पुलिसकर्मी द्वारा एक व्यक्ति को मारते हुए वीडियो प्रकाश में आया, उसमें इसी बात पे भाजपा के कुछ कार्यकर्ता यहाँ अपना इस बात को लेकर आए थे, विरोध प्रदर्शित कर रहे थे। क्या कार्रवाई हुई है इसमें, जिन दो व्यक्तियों के ऊपर इन लोगों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है जिसमें एक व्यक्ति वीडियो में दिखाई भी दे रहा है एक पुलिसकर्मी, दोनों लोगों को लाइन हाजिर कर दिया गया। एक का नाम है आनंद पांडे हैं और दूसरे का नाम आशीष, आनंद कुमार पांडे चौकी इंचार्ज बर्रा जी,
आनंद पांडे और आशीष। कानपुर से सिमर चावला की रिपोर्ट, यूपी तक।